अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देख सकते हैं माशाल्लाह, शुरुआत इसी से कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह देखें कितने सारे फूल गिर गए। मैंने एक वीडियो पहले डाली थी, उसमें बहुत कम थे, ये लेकिन 2 से 3 थे। अब देखें इतने सारे हो गए माशाल्लाह से। तो ये देखें, इसके भी नई कली निकलने शुरू हो गई। गलती करी थी मैंने काट के। ये देखें माशाल्लाह, जंगल बना हुआ, अंगूर वहाँ तक पहुँच चुका है। पहले देखें माशाल्लाह, ये देखें किस तरीके से है। अभी ये था कि मैंने कुछ वो देखें बोले छोड़ा है, ये दो न्यू आए इंडोर, इसलिए मैंने नीचे रखे मैं इनको। ये भी इंडोर है लेकिन मैंने अभी इसको गमला चेंज किया है आज, तो इसको मैंने अभी थोड़ा धूप में रखा, थोड़ा धूप भी रिजर्व कर ले। ठीक है, ये देखें एक तुरई निकल चुकी है। तुरई का ये करेला मैंने ख़राब हो गया, वो चल गया। ये देखें जामुन है, ये गमला चेंज किया मैंने। ये वो है अपना क्या है, मोतिया है ये। माशाल्लाह फैल रहा था गमले में, ग्रोथ रुक गई थी, अब इंशाल्लाह और भी हैवी ग्रोथ करेगा। और ये देखें चमेली का, ये माशाल्लाह देखें पूरा फैल चुका है, और इसके अंदर भी फूल आए हुए हैं। आप बाद देख रहा होगा, बाद पीले पीले। और ये था अपनी मनी प्लांट। तो ये है कि इसकी भी अभी मैं ये बड़ी बड़ी शाखें कटिंग करूँगा, और न्यू ग्रोथ पे आएगा ये बहुत अच्छी। और छत पे भी कुछ न्यू पौधे लेकर आया हूँ, वो भी आपको छत पे जाके दिखाऊंगा मैं। अल्लाह, चलो अभी यहाँ से शुरुआत करते हैं। और अंगूर अपने पास, ये खजूर की गुटलियाँ लग रही थी, वो भी माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं। इनको थोड़े बड़े होंगे तो इनको पाउडर गमलों में से गिलास से निकाल के गमलों में लगाना है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे हम। मैं आपको अभी थोड़ी बहुत कटिंग करी है इसकी ना, इसकी जड़ें जो निकली हुई थी ना काली काली, ये सारी काली जड़ें हैं, तो ग्रोथ रोक रही थी मैंने। इतनी बड़ी बड़ी जड़ें थी, ये रोका है मैं, कटिंग करी है इनको। अब ये है कि झाड़ू भी लगानी है, इधर बुरिश करना है, बुरिश लगेगा। और से पत्तों की कटिंग करी है, बहुत डस्टबिन में फेंके हैं मैंने, इस मनी प्लांट के भी और दूसरे वाले के भी। देखिए पीले पीले हो रहे हैं, इन पत्तों को मैं निकाल ही रहा हूँ इंशाल्लाह। देखिए ये है, देखिए गंदगी हो रही है, कटिंग हो रही है इसमें। ऐसे काम करना है, अभी थोड़ा बहुत देखभाल करूँगा, फिर कटिंग करनी है। बहुत से पौधों की कटिंगें होंगी सही तरीके से ग्रोथ के लिए। तो अंगूर की भी कटिंग करी है मैंने, कलमें तोड़ी हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत सी नई चीज़ें हैं और न्यू पौधे आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर तक, ठीक है, कटिंग करने के बाद ऊपर में छत वाले लोकेशन पर मिलूँगा मैं, ठीक है। चलें भाई, मैं छत वाले टेरेस की आपको दिखा रहा हूँ पोजिशन। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पानी इनको रोज़ाना देना पड़ रहा है। इसके अंदर ना खाद बहुत ज़्यादा डली हुई है, और ये मैंने ऊपर से ना भूसा होता है ना वो बिछा दिया था, तो उससे ना ये होता है कि नीचे की नमी बनी रहती है। और पर क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, तो पानी इसको मैं बहुत कम ही देता हूँ, जितना देता हूँ जितनी ज़रूरत हो। बाकी ये रखा हुआ शहतूत, ये देखते हैं, ये अनार है, वाला अनार जल गया, एक अमरूद आम जल गया, वो लगा हुआ फालसा। बाकी ये फैंसी हैं सारे, देख सकते हैं आप लोग, ऊपर देखें ये न्यू गार्डनिशंस के लिए, ये देखें न्यू लेकर आया हूँ मैं। ये देखें ये लगी हुई है, एक न्यू इधर लगाया है, एक न्यू ये है, एक न्यू ये है, यहाँ पर भी भरपूर हो गया नीचे का। फिर भी नीचे तो फिर भी, और इसकी मैंने ऊपर से ना कटिंग वटिंग कर दी थी, मैंने दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से जो एक्स्ट्रा था ना, ये तकरीबन इतना ऊंचा था ये, तो मैंने ना वो टहनी काट दी थी, ये टहनी काटी थी, और एक ना यहाँ पर से थी वो टूट रही थी, टूट जैसे पहले दिखाया था मैंने वीडियो में, वो टूट रही थी, वो हवा ने और तोड़ दी थी, वो भी मैंने काट दी। बाकी ये न्यू ग्रोथ कर रहा है, तो इसी में यह बहुत खूबसूरत सा हो जाएगा। बाकी तो अभी नीचे जो आपको मैंने दिखाया था तुरई वाला, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इधर लगा दूंगा इसके अंदर।
नेक्स्ट वीडियो में। और ये है कि थोड़ा बहुत अभी टाइम वाइम चल रहा है, थोड़ा टाइम ना ऐसे चल रहा है कि गर्मी तकरीबन अक्टूबर का महीना चल रहा है और गर्मी वाली जून जुलाई वाली 40-41 सेंटीग्रेड रोज़ का हो रहा है, तो पानी बहुत मांग रहे हैं पौधे। तो रोज़ ही तकरीबन में जो पहले एक दिन बीच खड़े करता था, अब तो रोज़ ही डालना, क्योंकि देख सकते हैं पहले ये कैसा था अब ये कैसा हो गया, क्योंकि ये है पानी का बुका, ये पानी बहुत ज़्यादा चाहता है। वो बोलता है रोज़ पानी मिलेगा तो मैं अच्छा रहूँगा, वरना तो फिर मैं अटक जाऊँगा। तो ये कैसा हो गया, पहले ये इतना माशाल्लाह से बहुत 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 ज़्यादा बढ़ चुका था ये। बाकी मैं सोच रहा हूँ ये सारी ये भी खाली कर दूँ क्यारी, ये क्यारी खाली करके इस वाली में लगा के इधर फैंसी जैसे ये लगाए ना ऐसे ला के इधर लगाऊँगा मैं। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब भी ज़रूर करते हुए जाएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में चीकू, बादाम, आम, ये चीज़ जामन तो लगा हुआ है, वो लगा हुआ, ये सब सारे पौधे अच्छे से अच्छे आने वाले हैं। तो बस यही जाते जाते यही बोलूँगा कि ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते लाइक ज़रूर करते हुए जाएगा, सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्ज़ी, लेकिन लाइक ज़रूर करिएगा। माशाल्लाह ना शहतूत, फालसा, अमरूद तो अमरूद लगे हुए हैं। सोच रहा हूँ मैं अभी इधर बादाम और चीकू लाने हैं, बादाम होते लाल बादाम होता है वो लेकर आना, और चीकू लेकर आना है। तो अभी मैं तो अभी आता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो का एंड करूँगा, ठीक है। तो अभी दूसरे चैनल के लिए भी व्लॉग बनाना है, ऐसे पेट्स लवर्स के लिए, ठीक है, मयूर पेट्स लवर्स के लिए भी बनाना है और इसके लिए वाइंड अप करना है। ये भी देखें माशाल्लाह खूबसूरत हुआ है, बेले चलने शुरू हो जाएँ तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा ये जगह। बस दुआ करिएगा कि ये अल्लाह पाक इनको हरा भरा रखे और ये जगह हरी भरी, बस इतने हिस्से में मैंने रखने हैं पौधे, इतने हिस्से में नहीं रखने, क्योंकि वहाँ पर तोते भी हैं, तोतों को भी मैं देखना होता है, और जीना भी खूबसूरत भी लगे। ये एंट्रेंस खाली है, इधर एक से दो गमले और लगाऊँगा मैं इस पट्टी में। तो गमले अब जो भी होगा वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।